बीजेपी भयभीत है और उनको कुछ न कुछ एहसास है, 12 तारीख का खतरा महसूस हो रहा है। बिहार में नीतीश ने पाला बदल लिया है, बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली है, विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन अभी भी बिहार की सियासी तासीर गरमाई हुई है। सियासी बादलों में अभी भी किसी बड़े खेला का आसार नजर आ रहा है, जिसने सियासी गलियारों की हलचलें तेज कर दी है, क्योंकि नौवीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके पलटूराम नीतीश की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बाकी है, जिसको लेकर नीतीश कुमार की एनडीए सरकार टेंशन में भी नजर आ रही है। बता दें कि दो दिन बाद यानी 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट है और उससे पहले हो रही बयानबाजी और अलग अलग दावों से खलबली मची हुई है। सियासी दलों में सेंधमारी का खतरा नजर आ रहा है, तो ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन लालटेन की चर्चा भी जोरों पर है। आरजेडी ने तो कह दिया है 12 फरवरी को होने वाले खेला से पहले एनडीए सरकार डर गई है। बीजेपी भयभीत है और उनको कुछ न कुछ एहसास है, 12 तारीख का खतरा महसूस हो रहा है। अब भाग कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा वहाँ से भी आप सरकार नहीं बचा पाइएगा। तो 12 तारीख के पहले बीजेपी अपने विधायकों को लाख समझा ले, प्रशिक्षण शिविर के नाम पर गया ले जाए, लेकिन ये सरकार के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, ये तो एहसास बीजेपी को होने लगा है, ये प्रतीत हो रहा है। यही नहीं, आरजेडी प्रवक्ता ने तो ये तक कह दिया कि बिहार में आरजेडी का ऑपरेशन लालटेन बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ेगा, जिसका नतीजा जनता 12 फरवरी को देखेगी। ऑपरेशन लालटेन तो भारी पड़ा था 2022 में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस पर, तो ये जो लालटेन का प्रकाश है, जो तेजस्वी यादव जी ने सरकार में रहते हुए दिखाया, नौजवानों के भविष्य को सजाया, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को उनका वाजिब हक दिया, ये जो काम कर दिखाया है, तो ऑपरेशन लालटेन बिहार में तो भारी पड़ा है, भारी पड़ेगा, इसमें कहाँ कोई सवाल है। ये ऑपरेशन लोटस बिहार में नहीं चल सकता। लालू की पार्टी को पूरा भरोसा है कि 12 फरवरी को नीतीश की नई सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल होने वाली है। वहीं बीजेपी ने आरजेडी के दावों को खारिज कर दिया है और कहा आरजेडी की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हो गई है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की हालत हो गई है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जिन हालातों के कारण नीतीश कुमार जी को पुनः एनडीए में आना पड़ा, तो ये हालात के लिए वो जिम्मेदार हैं। तो स्वाभाविक है कि अपनी कमजोरियों को वो बताना नहीं चाहते हैं कि किन कारणों से उनसे वो अलग हुए, लेकिन इस प्रकार की बातों से उसका कोई फर्क बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। हम सब पूरी मजबूती से जो हमारा विश्वास मत है उसको हम सब पारित भी कराएंगे। बता दी कि फ्लोर टेस्ट को लेकर आरजेडी ने बड़े खेल का दावा किया है। इस बीच विधायकों का दल बदल का खेल देखने को मिल सकता है। खरीद फरोख्त के डर से कांग्रेस के करीब 17 विधायक पहले से ही हैदराबाद में हैं और बीजेपी भी प्रशिक्षण शिविर के बहाने गया में डेरा डाले हुए है। उधर जीतन राम मांझी पर भी आरजेडी डोरे डाले हुए है, तो कांग्रेस ने दावा किया है एनडीए के करीब 9 विधायक उनके और लालू के संपर्क में हैं। यानी बिहार में खेला होने का मसाला तो खूब नजर आ रहा है, लेकिन किसके दावों में कितना दम है और किसके दावों का दम निकलेगा, ये तो आने वाली 12 तारीख को ही साफ हो पाएगी।